बनता है, विधवाक्षर कैसे बनेगा और संयुक्त अक्षर कैसे बनेगा, हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। बच्चों ध्यान देखिए, द्वित्वाक्षर और संयुक्ताक्षर। द्वित्वाक्षर का मतलब होता है द्वित्वाक्षर एक जैसे दो व्यंजनों के मेल से द्वित्वाक्षर बनता है। कैसे बनता है वो? एक ही जैसे, एक ही वर्ण वही पुनरावर्तन होता है, एक ही वर्ण पुनरावर्तन होता है उसे कहते हैं द्वित्वा। द्वित्वा बोले तो दो दो अक्षर, वही अक्षर क्या होता है दोबारा दोबारा क्या हो जाता है, रिपीट होकर आता है उसे कहते हैं द्वित्वाक्षर। एक जैसे दो व्यंजनों के मेल से द्वित्वाक्षर बनता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण अम्मा, मक्का, लड्डू, कच्चा, गन्ना, पन्ना, बच्चा आदि। ये कैसे आए अब हम देखेंगे, ये शब्दों का में देखेंगे। अम्मा, यहाँ देखिए अम्मा, आ माँ, यहाँ क्या हो गया अलग है, इसके नीचे ये आधा अक्षर बन गया है ना। ये माँ व्यंजनाक्षर है केवल, इसके इसके अंदर क्या नहीं है, स्वराक्षर नहीं है ना। इसलिए अब इसे क्या करेंगे, और एक उसके बगल में माँ लिखेंगे, माँ और आ था, अब ये बना अम्मा। इस तरह में लिखते जाते हैं अम्मा। यहाँ देखिए माँ आधा अक्षर है, खाए इस तरह भी लिखी जाती है और इस तरह भी लिखी जाती है ना। यहाँ देखिए का, ये बन गया मक्का है ना, ये बन गया मक्का। लट्टू, यहाँ देखिए ला ता, अलंत डालेंगे इसे, अलंत डालेंगे, अब ये आधा अक्षर ता बन गया। इसे पूर्ण रूप से उच्चार नहीं हो सकता क्योंकि ये व्यंजनाक्षर है। व्यंजनाक्षर किसके सहायता से उच्चार होती है, वो स्वराक्षरों के सहायता से वो उच्चार होता है ना। इसलिए यहाँ क्या है ता आधा अक्षर है, ये व्यंजनाक्षर है, इसके अंदर स्वर नहीं है, इसे ट हो गया और इसके साथ ता उ मात्रा, अब ये बन गया लट्टू। ये क्या बन गया, लट्टू बन गया। यहाँ देखिए खच्चा का छा आधा अक्षर इस तरह भी लिखी जाती है, अदरवाइज इस तरह भी लिखी जाती है। यहाँ देखिए ये भी बन गया कच्चा, इसे कच्चा चा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह अलंत है, इसके नीचे क्या है अलंत है, यह आधा अक्षर बन गया, ये आधा अक्षर बन गया। आधा अक्षर बनने का कारण यह है कि यह व्यंजनाक्षर है ना, इसमें स्वर नहीं होता, इसलिए यह क्या बन गया कच्चा। इस तरह लिखी जाती है, एक एक बार क्या होता है आपको डाउट आ जाता है कैसे पढ़ना है बोलकर, है ना। इसलिए हमें क्या करते हैं, कड़ी पाई निकाल कर, ये कड़ी पाई रहता है ना यहाँ पर, ये कड़ी पाई बिठा कर इसे और अच्छा लिखी जाती है, इसे कहते हैं कच्चा, इसे कहते हैं कच्चा। गन्ना, गन्ना यहाँ देखिए ना आधा अक्षर लिखे हैं, यहाँ कड़ी पाई निकाल चुके हैं, कड़ी पाई निकले तो यहाँ आधा अक्षर ना बन गया, और इसके साथ और एक ना जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ये हो गया गन्ना, ये बन गया गन्ना। यहाँ देखिए पन्ना, अब सारे पता चल गया आपको क्या है द्वित्वाक्षर क्या है ना। यहाँ देखिए और एक बार इसे दोबारा याद करेंगे, क्या है द्वित्वाक्षर का मतलब क्या है। द्वित्वाक्षर बोले तो एक जैसे दो व्यंजनों के मेल से द्वित्वाक्षर बनता है, एक जैसे वर्ण, एक ही वर्ण दोबारा पुनरावर्तन होता है ना। चलो समझ लिया ना, उदाहरण यही है। यहाँ देखिए अम्मा, मक्का, लड्डू, कच्चा, गन्ना, पन्ना, बच्चा आदि, अभी बहुत सारे हैं छात्र, मैं इतना ही बता सकता हूँ यहाँ पर है ना। अब बाद में अभी हमें पता चल जाएगा और कैसे कैसे आएंगे बोलकर। अब देखेंगे संयुक्त अक्षर, अब क्या देखेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनता है। दो अलग अलग व्यंजन, देखिए अलग अलग व्यंजन बोले तो कैसे, वो अलग अलग व्यंजन, यहाँ देखिए अलग अलग व्यंजनों के मिलन से यानी मेल से क्या बनता है, संयुक्त अक्षर बनता है। उदाहरण के लिए भव्या, क्या है भव्या, यहाँ देखिए भव्या बा, यहाँ कड़ी पाई निकाल चुके हैं, ये वा आधा अक्षर बन गया, अब इसके साथ यहाँ लिखेंगे ये बनता है भव्या। यहाँ देखिए वा और या, ये दोनों मिलकर क्या हो गया एक शब्द बना है ना, इसे कहते हैं संयुक्त अक्षर कहते हैं बच्चों। यहाँ देखिए और अच्छा, यहाँ देखिए अच्छा आ अच्छा आधा अक्षर लिखेंगे, और
महाप्राण अक्षर छा लिखेंगे। अब ये क्या बन गया, अच्छा बन गया, अच्छा है ना। ध्यान देखिए अब बक्त बा खा आधा अक्षर लिखेंगे और ता लिखेंगे। अब क्या बन गया ये त, त बन गया, बक्त हो गया है ना, बक्त। और यहां देखिए पा ता आधा अक्षर और महाप्राण अक्षर था रा ये बन गया पत्तर, ये बन गया पत्तर। इस तरह ना इसे लिखी जाती है छात्रा, इसे कहते हैं संयुक्ताक्षर कहते हैं छात्रा। देखिए और एक बार इसे दोबारा याद करेंगे, देख लीजिए आप भी ध्यान से। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनता है ना। दो अलग अलग यानी भिन्न डिफरेंट होते हैं ना लेटर से। यहाँ पर यहाँ देखिए दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनता है। उदाहरण के लिए भव्या अच्छा, भक्त अद्भुत, पत्थर मच्छर आदि। आपको ये समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ। अभी कुछ शंकाएं हैं तो आप पूछ सकते हैं फोन पर, संदेश पर आप पूछ सकते हैं। अब मैं धन्यवाद देता हूँ और अगले अवधि में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।